हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर शरारा कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए हमारा ये कपड़ा है ब्लू कलर में, देख सकते इस तरह का, और इसमें से हम शरारा बनाएंगे। देखिए हमारा कपड़ा है इस तरह, लंबाई में फोल्ड करेंगे। देखिए एक बार फोल्ड करेंगे, देखिए पहले मैं इसकी लंबाई लेंगे, तो देखिए इसकी जो लेंथ है वो 30 है, तो देखिए इस तरह 30 इंच में हमने निशान लगाया है। देखिए इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नेफे के लिए, 32 इंच, और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारा नीचे फोल्ड भी जाएगा, तो हम 33 इंच ले लेते हैं पूरा टोटल। नेफ हमारा इसी में फोल्ड होगा ऊपर की साइड, देखिए इस तरह। तो आसन कट करेंगे, तो देखिए 9 इंच पे ले लेते हैं हम, देखिए हमें 9 इंच ले लिए, 36 है कमर, थोड़ा बहुत हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो आसन लेंगे हम, 2 इंच हमारा नेफ आ जाएगा, हम 12 इंच पे निशान लगा लेते हैं, आज हम इस तरह पढ़ाई दे देंगे। हम कुछ कट नहीं करेंगे, स्ट्रेट कट करेंगे। देखिए ऊपर हम 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं क्योंकि हमारा ये इस तरह का निफ आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे हम 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं। क्योंकि हमारे ये फोल्ड में जाएगा नीचे, और देखिए ये आसन है, यहां से 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और यहां से इसकी लंबाई देखेंगे तो देखिए 70 इंच आ रहा है। 70 इंच को हम 3 में डिवाइड करेंगे, देखिए हमारा 5.5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो इस तरह हम देखिए निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह 1, 2 और 3 इसका जो घेर है, ये जो हमारा घेर आएगा वो 10 इंच आ रहा है, और डबल फोल्ड में 20 आएगा हमारा एक पैर में, तो इस हम साइड में लेते इस तरह। देखिए कपड़ा हमने डबल फोल्ड कर लिया इस तरह, और जिसका हम कट करेंगे ये वो हम अम्ब्रेला कट में कट करेंगे, तो इसे हम एक बार फोल्ड कर लेते हैं। देखिए इस तरह इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे, हमारा घेर है वो हमारा 20 इंच का, तो देखिए ये हमारा 4 फोल्डिंग में 5 इंच आएगा। अब देखिए ऊपर से हम इसकी लंबाई लेंगे, बीच में हमारी 5 इंच आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ पे 5 लेंगे हम, देखिए इस तरह हमारी 4.5 इंच आ रही है, हम इसमें हल्का सा नीचे एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह। और यहां से इसकी लंबाई लेंगे, तो लंबाई हम 8.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हम नीचे फोल्ड करेंगे इसलिए ऊपर भी हमारा जाएगा थोड़ा सा। देखिए इस तरह हमारी 2 लेयर कट हो गई है। देखिए सेम डाफ के हमने अम्ब्रेला कट कर लिए हैं,
देख सकते सर, दो दो हमारी, एक में हमारी दो है, इस तरह दोनों पैरों के लिए हमने तीन तीन कट कर लिए छह। अब मैं आपको सिलने का मेथड बताती हूँ। देखिए, जो हमने अम्ब्रेला कट कट किया था इस तरह, और इसे हम नीचे फिनिशिंग देंगे। देखिए, इस तरह मैंने पूरी फिनिशिंग दे दी है। आप इसमें पीको भी कर सकते हैं, और इस तरह हम इसे रखेंगे और यहाँ फिटिंग दे देंगे। देखिए इस तरह, इस तरह हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह, इसी तरह मैं बाकी सारे भी तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे तैयार कर लिए, नीचे फिनिशिंग दे दी और फिटिंग भी दे दी हमें साइड में। देखिए हम आसन ज्वाइंट करेंगे इसका, तो हमने इस तरह अंदर सीधा सीधा रखा है, ऊपर हमारा उल्टा है। देखिए इस तरह मैंने दोनों आसन ज्वाइंट कर लिए। अब हम ऊपर हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे हाफ इंच, फिर इस तरह और सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गैप दिया है क्योंकि हमारा लास्टिक जाएगी यहाँ से। अब नीचे फिनिशिंग देंगे। देखिए हमने दोनों में फिनिशिंग दे दी है, अब फिटिंग लगाएंगे इसमें। देखिए मैं फिटिंग भी दे दी, अब सीधा करेंगे इसे हम। देखिए इस तरह मैंने सीधा कर लिया नीचे से, हमने 5.5 इंच का निशान लगाया था इस तरह, फिर दूसरा लगाएंगे इस तरह, तीसरा। देखिए इस तरह, इसी तरह मैं पीछे भी निशान लगा लेती हूँ और दूसरे पैर में भी निशान लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने पूरे में निशान लगा लिया, पीछे भी निशान लगा लिया। देखिए इस तरह, अब देखिए नीचे से हम इसके अंदर इस तरह डालेंगे, उल्टा डालेंगे इस तरह। देखिए जो सिलाई आ रही है वो हमारी इस साइड आएगी। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी पर फिनिशिंग अच्छे से आएगी इस तरह। देखिए इस तरह, और इस तरह जो हमने निशान लगाया उसके ऊपर पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए इसे हम इस तरह पलट लेंगे। देखिए इस तरह आएगा इसका लुक। अब दूसरा लगाएंगे हम, ये दूसरा भी इसी तरह लगाएंगे सेम नीचे से, और जो मैंने निशान लगाया था सेम इसी के ऊपर। देखिए मैं दो लेयर लगा दी सेम इसी तरह, तीसरी लेयर भी लगाएंगे नीचे।
देखिए इस तरह मैंने तीनों लेयर लगा दिए। अब सेम इसी तरह लेयर मैं दूसरे पैर में भी लगा लेती हूँ। देखिए मैं लास्ट लेयर डाल दिए साइज के अनुसार। देखिए मैं आसन ज्वाइंट कर लिया है और देखिए पूरे फ्रिल में नीचे में फिनिशिंग दे दी पूरे में। देखिए और ज्वाइंट भी कर लिया, देख सकते भाई पूरी फिनिशिंग है। देखिए ऊपर भी इस तरह, देखिए कितना सुंदर लुक है हमारे सरारा का। इस तरह आप ये अम्ब्रेला कट सरारा बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आप